कल्याण पश्चिम के बरावे SLF प्रोजेक्ट अर्थात नए डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ बरावे गोदरेज हिल के हजारों रहवासियों ने मनपा मुख्यालय पर मोर्चा निकाला और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित की गई जगह को लेकर मनपा आयुक्त गोविंद बोड़के से मुलाकात की। आयुक्त से मुलाकात कर बरावे के रहवासियों ने SLF डंपिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की, क्योंकि जिस जगह पर आरक्षित भूखंड पर महानगर पालिका डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रही है उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और कूड़े कचरे की बदबू से हजारों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। बता दें कि परिसर के सभी रहवासियों ने आंदोलनकारियों ने मनपा प्रशासन पर शासन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड और नागरिक बस्ती में लगभग 200 मीटर का अंतर होना जरूरी है, लेकिन इस आरक्षित जमीन से 30 मीटर की दूरी पर मनपा ने ही BSUP प्रोजेक्ट की इमारतें बनाई है और आसपास के परिसर में स्कूल और पार्क जैसे स्थान भी हैं। अगर महानगर पालिका ने यह परियोजना बना दी तो पूरे शहर से इकट्ठा होने वाले कूड़े कचरे के अंबार के कारण गोदरेज हिल बरावे के नागरिकों को संक्रामक बीमारियों का डर सता रहा है। चर्चा के दौरान आयुक्त गोविंद बोड़के ने कहा कि मनपा के पास SLF प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी प्रकार की मंजूरी है और वह 2 से 3 दिन में SLF प्रोजेक्ट की साइट का दौरा करेंगे। वहीं मोर्चे के शिष्टमंडल का कहना है कि मनपा ने बरावे की जनता के साथ न्याय नहीं किया तो वह चुप नहीं बैठेंगे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बहिष्कार डालेंगे। हजारों मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे। सांगा तुम्ही आज इतरांना भेटले काय, नेमकं त्यांचं उत्तर होतं आणि काय आता पुढची भूमिका आहे? आयुक्तांनी आम्हाला कोणत्याचं ठोस उत्तर दिलेलं नाही आहे। ते फक्त बोलले जसं यांनी खोटे रिपोर्ट सादर केले तसं आम्ही लेखी उत्तर देऊ तुमच्या निवेदन आला एवढंच ते बोलले। आम्ही त्यांना आव्हान केलं की तुम्ही तिथे येऊन आमच्यासमोर आमच्या नागरिकांसमोर तुमची एक टीम आमची एक टीम येऊन मेजरमेंट करेल, तिथे मोजेल की नक्कीच भारत राजपत्राचा अवमान होत नाही आहे ना। जर होत नसेल तर तुम्ही तिथे तो प्रकल्प बनवू शकता, पण होत असेल तर तुम्ही तो प्रकल्प बनवू नका। परंतु त्यांनी सगळे नियम धाब्यावर धरून त्यांनी तिकडं लक्ष न देता त्यांनी ते पळ काढलेलं आहे, ते कॅबिनमधून पळून गेलेले आहेत। त्यांनी त्या खुर्चीचा मान ठेवलेला नाही आहे आणि त्यांनी आम्हाला आम्ही त्यांना सांगितलं की ह्या निवडणुकीवरती आम्ही विधानसभा आणि लोकसभेचे जे इलेक्शन आहे 2019 त्याच्यावरती आम्ही बहिष्कार घालत आहोत। तर त्यांनी त्यांना सांगितलं तुम्हाला जे करायचं ते करू शकता, बहिष्कार घाला तुम्ही बहिष्कार घालू शकता। त्यासाठी आम्ही 25-30 हजार गोदरेजील बारवे रहिवासी येणाऱ्या इलेक्शनवरती येणाऱ्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या इलेक्शनवरती निवडणुकीवरती बहिष्कार घालणार आहोत आणि जोपर्यंत इथे आयुक्त आम्हाला उत्तर देत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे बसून राहणार आहोत।